फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा। नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पुलिसिया मनमानी का शिकार हुई पूर्व विधायक, उनका आरोप है पुलिस ने रीवा के सिविल लाइन थाने के सामने उनकी गाड़ी को कांग्रेस का झंडा लगा देखकर जबरदस्ती रोका, जबकि वह पूर्व विधायक है। उनका साफ तौर से कहना था, क्या रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की गाड़ी भी इसी तरीके से रोकी जाती है, जिस तरीके से उनको आज आधे घंटे तक परेशान किया गया। सुनिए नीलम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। रोकी गई है, कारण नहीं दिया, कुछ परमिट लगी मेरे सामने गाड़ी के, आप लोग देख रहे हैं। मैं सिमरिया क्षेत्र से लौट रही थी, यहाँ थोड़ा रीवा मिलना था, हमारे कुछ लोग रहते हैं रीवा में सिमरिया के, उनसे मिलना था, तो मैं यहाँ से निकली। जैसे सभी वाहनों की चेकिंग हुई, हमारी गाड़ी को भी रोका गया। अब उसमें हमारी प्रचार सामग्री रखी, हमारे सामान है, जो भी टी शर्ट वगैरह जैसे बच्चों को हम देते थे, उसमें हमने खर्चे में अपने साथ उठाया हुआ है और वहाँ से अनुमति ली है तभी रखा हुआ है। ऐसे तो हमें भी पता है, मैं पूर्व विधायक हूँ, मुझे मालूम है नियम कानून क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नीलम मिश्रा नाम है, मैं पूर्व विधायक हूँ सिमरिया से। मेरे पति अभय मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं सिमरिया से। तो यहाँ पर वही जो कानून व्यवस्था है भाजपा सरकार की, आधे घंटे आपकी गाड़ी रोकी, आधे घंटे हमारा समय खराब हुआ, कांग्रेस का झंडा देख लिया गया तो गाड़ी रोक ली गई। पुलिस वाले भी सब मिले हुए हैं भाजपा सरकार से। राजेंद्र शुक्ला की गाड़ी तो नहीं रोकते, केपी त्रिपाठी की तो नहीं रोकते, सिर्फ अभय मिश्रा जी के क्यों पीछे पड़े रहते हैं, ये सोचने का विषय है। क्या लगता है, ये भय है या षड्यंत्र? अब षड्यंत्र ही कह लीजिए, एक पूर्व विधायक की गाड़ी रोकी गई है तो षड्यंत्र ही ना है। जब मैं दिखा रही हूँ पर्ची लगी हुई है तो ये षड्यंत्र ही तो है, जबरदस्ती का टाइम खराब करना। जब आपकी गाड़ी यहाँ पे रोकी गई तो सिपाही के अलावा अधिकारी कोई मौजूद नहीं था, अधिकारी फिर 20 मिनट बाद आए? अधिकारी नहीं थे, आधे घंटे तक समय खराब हुआ है, अभी जाके पीआई साहब आए। जी जी जी, धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।